नोएडा के दीपक सत्संगी ने पिछले एक साल में आधा दर्जन कंपनियों के आईपीओ में पैसा लगाया था। उन्हें दो कंपनियों के शेयर अलॉट हुए, लेकिन ये शेयर लिस्टिंग के दिन ही धड़ाम हो गए। इसे देखकर वो काफ़ी बौखला गए थे। उन्होंने ज़्यादातर कंपनियों के ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन को देखकर अप्लाई किया था। अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी आईपीओ के लिए इतनी मारामारी हो रही हो और वो लिस्टिंग के दिन ही पिट जाए। हाल ही में उन्होंने आईपीओ एप्लीकेशन घोटाले जैसी एक खबर पढ़ी तो चौंक गए। तो ये बात है, इस वजह से हमारे जैसे लोग ऐसे आईपीओ में फंस जाते हैं, वो खीजे हुए बोले। तुरंत पहुंच गए शेयर बाजार के जानकार अपने दोस्त रंजन गुलाटी के पास। रंजन ने उन्हें पूरी कहानी बताई। पिछले एक महीने में LIC के साथ ही डेलीवरी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स जैसी कई कंपनियों के आईपीओ आए और ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हुई। इन सभी कंपनियों में रिटेल यानी छोटे निवेशकों की कैटेगरी में भारी संख्या में एप्लीकेशन निरस्त हो गई। अंदाजे के मुताबिक आईपीओ में 30-70% तक बोगस एप्लीकेशन आ रहे हैं। इस तरह सही एप्लीकेशन और कुल हासिल एप्लीकेशन के बीच का अंतर इश्यू बंद होने के बाद ही पता चलता है। उस समय तक सिर्फ ये पता चलता है कि किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई हैं। इसकी जानकारी एक्सचेंजों पर भी मिल जाती है, लेकिन पहले रिजेक्टेड एप्लीकेशन भी सिस्टम में सही एप्लीकेशन की तरह ही दिखती है। असलियत का पता तो तब चलता है जब कंपनी इशू क्लोज होने के बाद एड जारी करती है, हालांकि ये लिस्टिंग से पहले ही मिल जाता है। इससे ये पता चलता है कि बोगस एप्लीकेशन कितनी थी, क्योंकि सभी कंपनियों को एड देकर बताना होता है कि उन्होंने अलॉटमेंट किस आधार पर किया है। उदाहरण के लिए हाल में आने वाले LIC के आईपीओ की बात ही करें। LIC के आईपीओ के लिए 73 लाख एप्लीकेशन फॉर्म आए, जिनमें से 20 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए, यानी करीब 28% फॉर्म रिजेक्ट हो गए। डेलीवरी के आईपीओ में तो 1.73 लाख एप्लीकेशन आई और इनमें से करीब 58% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई। तो इस तरह आईपीओ के जबरदस्त सब्सक्रिप्शन की खूब चर्चा होती है, लेकिन इसके पीछे कोई और ही खेल चलता है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये पूरा खेल क्या है। वैसे तो एप्लीकेशन फॉर्म कई वजहों से रिजेक्ट होते हैं, जैसे नाम गलत भरा हो या फिर कुछ और जानकारी गलत दी हो, लेकिन ये हिस्सा बहुत कम होता है। बाजार के कई जानकारों का कहना है कि बहुत से ब्रोकर कस्टमर्स की तरफ से आईपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं। वे इसके लिए पहले से कस्टमर की रजामंदी नहीं लेते, तो बाद में कस्टमर इसके लिए पैसा भुगतान करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रोकर्स ये जानबूझकर करते हैं ताकि एप्लीकेशंस की संख्या बढ़ी हुई दिखे, इससे आकर्षित होकर ज्यादा से ज्यादा लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। यानी ये ब्रोकर्स और आईपीओ लाने वाली कंपनी का ही मिला जुला खेल हो सकता है। हालांकि दीपक और दीपक जैसे कई निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि अब सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि केवल वही आईपीओ एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएंगी और एक्सचेंजों पर अपलोड की जाएंगी जिनमें जरूरी पैसा निवेशक के बैंक खाते में ब्लॉक हो गया हो। यानी ब्रोकर्स के इस घपले पर अब रोक लग सकती है। हालांकि सेबी का ये नया सर्कुलर भी 1 सितंबर 2022 से लागू होगा। स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अमित पमनानी कहते हैं कि सेबी इस मामले में मुस्तैद है। सेबी लगातार नियम कायदों और प्रक्रिया में सुधार करता रहता है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और निवेशकों का हित सुरक्षित रहे। अब UPI आधारित एप्लीकेशन प्रक्रिया भी अपनाई जाती है ताकि फंड निवेशक के अकाउंट में ब्लॉक हो जाए, इससे कैंसिलेशन या देरी का चांस कम से कम हो जाता है। सेबी के कदम से आईपीओ में किसी तरह के फर्जीवाड़े पर आगे से अंकुश लग सकता है। इसके बावजूद निवेशकों को सावधान रहना होगा, कभी भी इस भेड़चाल में न पड़ें कि किसी आईपीओ के लिए ज्यादा आवेदन हो रहे हैं तो आप भी आवेदन कर दें। किसी कंपनी के आईपीओ में आवेदन के लिए उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें और उसके फंडामेंटल मजबूत हों तब ही निवेश करें।